हाँ पहले गैलेक्सी कंप्लीट करने पर बाकी बात करूँगा। गैलेक्सी का जरा नोट्स बना रहा हूँ। 305 जॉनी स्टोन से बात हो रही है। पेज नंबर 304 को जरा पढ़ना है, इसमें नोट्स में बनाना क्या, नोट्स में बनाना क्या क्या होता है जरा बोल दें जरा। एक मुझे मेजोरिटी एनालिसिस तो कर लिया हमने, और रिकंसिलिएशन रिकंसिलिएशन के पॉलिटिकल अलावा चलो हेडिंग लिखें जी रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का सारी कॉन्सेप्ट जरा सुना, अपना टेबल सामने रखा आसान सी। रिकंसिलिएशन ये जो फाइनेंस चार्ट टेबल बनाया था सामने रखा, दो तीन फिगर्स जरा ढूंढ लेंगे। सबसे पहले ढूंढना होता है टोटल लीज रिसीवेबल्स, जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे ऑनवर्ड सोचना। आपने इस डेट पे खड़े हैं 30 जून 14 ऑनवर्ड सोचना, और लीज रिसीवेबल्स से यहाँ मुराद है ग्रॉस अमाउंट्स रेंटल। तो टोटल लीज रिसीवेबल्स कितने हैं, 7.8 मिलियन के 3 रेंटल्स हैं। कहाँ से ऑनवर्ड चल रहा, 30 जून 14 कौन से 3 रेंटल है, 15 वाला, 16 वाला और 17 वाला। जो रेंटल है वो मैंने अलग लिख दिया, उसमें 5 मिलियन भी है, क्या वो भी रिसीव होना है। तो 3 रेंटल है, बाकी आप डेफिनेटली 7.8 × 2 और 12.8 जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं रेंटल दिखाया आपको। और +5 क्या लीज पेमेंट्स के अंदर GRV होती है, लीज पेमेंट्स के अंदर GRV होती है सर? नहीं, अगर है तो होती है, अगर है तो होती है, लेकिन क्या लीज पेमेंट्स में URV भी होती है? ये पिछले पेज पे चल गए। लीज पेमेंट्स में GRV होती है लेकिन URV उसके अंदर नहीं होती, वो अगर अलग शामिल कर ली जाए तो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये जो 5 है ये GRV है, इसलिए मैंने लीज रिसीवेबल्स के अंदर लिख दिया। एक सेकंड यहाँ तक टोटल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस स्टोरी में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती भी तो उसको अलग मेंशन करना है, कौन सी रेजिडुअल वैल्यू किस में आ जाएगी और कौन सी रेजिडुअल वैल्यू अलग स्पेसिफाई होगी। गारंटीड अगर है तो वो तो रिसीवेबल्स के अंदर आ जाएगी, लेकिन एड अगर कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो तो अलग प्रेजेंट करना है। हमारे इस केस में अनग्रेंटेड रेजिडुअली है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा था ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हो तो हमें याद आ जाए। एक सेकंड जरा, अब यहाँ तक अगर 28.4 एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि URV नहीं है, तो इसका नाम फिर क्या बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। मैंने प्रोवाइड सेशन में लिख दिया टोटल लीज रिसीवेबल लेसर के एंगल सर, मतलब ये पेबल्स ही हैं, लीज पेमेंट्स ही हैं जिसमें GRV आ रही है, URV फिर अगर होती तो अलग स्पेसिफाई हो गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगी। आप इस तरह करें, फर्स्ट एंट्री देखें, हमने जब पहली एंट्री की इसी में, उसमें भी अपने को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की होनी है ये भी, लेकिन ये फिगर उससे मैच क्यों नहीं कर रही। वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वर्किंग हुई थी स्टार्ट में, अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 30 जून 14 से ऑनवर्ड्स कैलकुलेट हो रही है।
फ्यूचर की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लियर है प्लीज जॉनल स्टूडेंट। तो ये रिकंसिलिएशन बेसिकली आप किस दिन बननी है, जिस तरह डिस्क्लोजर बनता है मेजोरिटी एनालिसिस वाला, जिस डेट पे अपने उसे ऑनवर्ड बस सोचना है। देन फिर अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से रिकनसाइल करना है। तो आपको पता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस किस वजह से होता है? अब यहाँ अनअर्न फाइनेंस इनकम होगी, लेकिन अब यहाँ अनअर्न फाइनेंस इनकम टोटल नहीं होगी। अपना टेबल देखो, कौन सी इनकम तो वैसे ही अब अर्न हो चुकी है, 3.959 या 3.6 भी कर रहे हैं। अब क्योंकि हम ऑनवर्ड्स बना रहे हैं तो बस ये वाला जो इंटरेस्ट है ये अनअर्न है या सारा ही है? अगर शुरू में सोचेंगे तो सारा ही अनअर्न था, लेकिन अगर 30 जून से और 14 से ऑनवर्ड सोचेंगे तो बस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स का ये जो इंटरेस्ट है 3.1, 2.34 एंड 1.57 ये अब अनअर्न रह गया। तो इसका जरा एक सम कर लें, सिक्स पॉइंट नाइन टू। क्या है ये 6.92? अनअर्न फाइनेंस इनकम है लेकिन ऑनवर्ड्स है ये भी। तो प्लीज एक दफा फाइनल बोल रहे हैं, ये किस डेट से ऑनवर्ड्स बना रहे हैं? जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स है, उसी डेट से ऑनवर्ड रिसीवेबल्स हैं, उसी डेट से ऑनवर्ड्स अगर कोई अनअर्न फाइनेंस इनकम है तो वो लेनी है। तो अनअर्न फाइनेंस इनकम फिगर्स जरा बोल दें, कुछ स्पेसिफाई करवा दें कौन कौन सी है। 3.01, 2.34, 1.57, इनका सम बताया आपने 6.92। एक मिनट जरा इसको माइनस करके देखें। अब 21.48 जो है ना, अपना टेबल देखेंगे दोबारा। अब क्योंकि हम ऑनवर्ड्स बना रहे हैं तो ये तो 21.48 आपको इसी टेबल से रिकनसाइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तरीका इसका क्या, एक दफा बोलना जरा पूरा सेंटेंस, पूरे जरा हेडिंग्स बोलना। सबसे पहले क्या उठाना, टोटल इज रिसीवेबल्स ऑनवर्ड सोच के बस, अगर कोई अनगारंटीड एसेट ली तो ऐड होके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अनअर्न फाइनेंस इनकम भी फ्यूचर की लेनी है जो ऑनवर्ड्स है, उसको फिर माइनस करके आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। लिखो यही है बस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात? नहीं थोड़ा बारिश रात वाले हॉस्टल से यार, बारिश नहा के आ गया ऐसे जैसे बारिश में भीग गए। हमारे तो ऐसे ड्रामे छोड़ दो, मुझे पता है असल में कहीं और गेम है, हमारे पे आगे तो टेंशन क्रिएट कर। जी जिस डेट पे आप खड़े बस उस डेट से ऑनवर्ड्स करना है। हमें इस वक्त 30 जून 14 पर डिस्क्लोजर बना रहे हैं, उस डेट से ऑनवर्ड्स जब फिगर्स हैं बस वो रिकनसाइल करने हैं। ठीक है मानसिक,
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लिख लेंगे तो बताइए। हाँ लोग लिख रहे हैं जरा 30 जून 15 पे अगर आप खड़े हो जरा देखें अपना टेबल। तो टोटल वेज रिसीवेबल कैसे फाइंड आउट होगा? 7.8 into 2 plus 5 and guaranteed as well is 0, वही जो आंसर होगा वही ग्रॉस बन जाएगा। एंड फाइनेंसिंग इनकम किस किस को प्लस करके आएगी? 2.34 एंड 1.5 सर, बस ये स्टोरी, बाकी माइनस करेंगे इंशाल्लाह तो रिकंसाइल हो जाएगा। लास्ट वीक डिस्क्लेयर कर रहे हैं, एक तो हो गया मेजोरिटी एनालिसिस, एक हो गया रिकंसिलिएशन और फाइनली बस एक नैरेटिव स्टोरी लिखनी है इस डाटा से। तो दो तीन चीजें अगर देखें लिखे चला मैं लिखे था द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, बस उसमें इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट रेट गारंटी टेस्ट पे पहले अगर कोई है बस इसका जिक्र कर देना। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट विद डेरी प्रोडक्ट, अब लस्सी का नाम अवेलेबल इसी में लिखा हूँ, डेरी प्रोडक्ट लिमिटेड, देखें जरा क्वेश्चन में डेरी प्रोडक्ट से नहीं है। लीज कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, लीज बियर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, रेंटल्स ऑफ रुपीज 7.8 मिलियन और पेबल 10 इन एरियर्स, एंड दिस अ गारंटी ट्रेडिटर वैल्यू 5 मिलियन जी। पेबल लिख रहे हैं रिसीवेबल, उसके पेबल है हमारे रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल लेकिन हमारे जिस तरह लीज पेमेंट वर्ड है उसके लिए भी यूज होता था, लेसर के लिए भी, कोई इसमें कोई डेफिनेटली अगर लेसर है तो पेबल मीन्स हमें मिलने उसके पेबल है, ठीक है लेकिन रिसीवेबल एनुअली नहीं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट हो गया, रेंटल, गारंटी रेजिडेबल, एक डिस्क्लोजर जो उधर लेसी कर देता था वो नहीं, परचेज ऑप्शन हो तो ये भी इसको मिलने पैसे, जीआरबी नहीं है तो परचेज ऑप्शन, फाइनेंस फीस का जिक्र वो नहीं करेगा। हाँ जी वो एक फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट होता था। हाँ जी लीज टर्म लिखी जा सकती है, लीज टर्म 5 ईयर्स 4 ईयर्स, सॉरी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट सुन रहा था, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लिखता था लेसी, अगर लेसी ने कोई लीज एग्रीमेंट किया और लेसर ने कहा कि आपने डिविडेंड पेमेंट या लोन नहीं लेना तो वो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लेसी बताता है। अब लेसर सच कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगेंगी, ये लगाएगा तो इसने फिर कोई उसका डिस्क्लोजर नहीं देना, बाकी लीज टर्म लिखी जा सकती है 4 ईयर्स, लेकिन बहर इसमें बस मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए एग्जाम में, इससे ज़्यादा ना, जो दो तीन चीज़ें याद आ रहा, ठीक है समझ गए। जॉन लेसमेंट्स ओके, देन अब क्वेश्चन नंबर 9 मेरे ख्याल सीधा फाइनल कर लीजिएगा फिर कल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मसला है इसमें बी पार्ट भी था डिस्क्लोजर वाला, एक्सट्रैक्ट्स भी थे मेरे ख्याल, नोट्स भी हैं, तो एक दफा सही इतना फाइनल कर लेते हैं। मीनवाइल जरा रजिस्टर करके पेज निकाल, नहीं वो मैं कल बताता हूँ, बस वही मैं बताना।
अब कर लें कंप्लीट, मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन अब इस वक्त किया है, ये पहले एक नज़र वो जो टेबल हमने बनाया था ना वो ज़रा देख लीजिएगा। गारंटीड और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट कब होता है? जब ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, और अगर परचेज ऑप्शन है तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी, और इसका मतलब जो बाकी रेजिडुअल वैल्यू है वो वैसे ही रेलिवेंट नहीं रहनी। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी भी कंप्लीट कर दूंगा एक नज़र, लेकिन वो टेबल के साथ ज़रा देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देखें सर, टाइप्स ऑफ लेसेस। टाइप्स ऑफ लेसेस इन केस ऑफ फाइनेंस। लेसेस ही की डिस्कशन हो रही है, और किस लीज पे इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं? फाइनेंस लीज। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, जरा एक मिनट पहले सुन लो, हेडिंग देखिए। फाइनेंस लीज अगर हो तो लेसेस दो तरह के हो जाते हैं। डिस्टिंग्विश करने के लिए एक लेसर वो हो जाएगा, इसे हम फिर सिंपल लेसर कह लेते हैं, मतलब कोई बैंक के जहन में लाएगा, कोई लीजिंग कंपनी जहन में लाएगा। अगर आप किसी बैंक के पास जाएं और उसे कहें मैं गाड़ी परचेज करना चाहता हूं, मुझे गाड़ी बेच दें, तो बैंक वाले उसे क्या कहेंगे? क्या आप गलत जगह आ गए हैं? आप किसी शोरूम जाएं, हम गाड़ी बेचते नहीं। हाँ, अगर आपने लीज करवानी है तो वो हम कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड है, उसने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बेच मैन्युफैक्चर करके बेचने के साथ साथ लीजिंग बिजनेस भी शुरू कर दी है, क्या मतलब होगा मेरी इस बात का? मैन्युफैक्चर करके अगर कोई पैसे पूरे देगा तो उसे बेच भी देगा, और अगर मैन्युफैक्चर करके कोई पैसे पूरे देने की पोजीशन में नहीं है या नहीं देना चाहता, उसे इंस्टॉलमेंट्स पर भी दे देगा। तो ऐसा मैन्युफैक्चरर क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर लेसर। अगर मैन्युफैक्चर करके बेचने के साथ साथ मैन्युफैक्चर करके किस्तों पे भी देना शुरू कर दे, तो ऐसा मैन्युफैक्चरर क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर लेसर। क्या ये आपको बेच देगा अगर आप पैसे लेके जाएंगे? लेकिन अगर आप लीज करवाना चाहते हैं और ये लीजिंग भी कर दें तो फिर ये मैन्युफैक्चरर लेसर भी हो जाएगा, और अगर ये मैन्युफैक्चरर लीजिंग ना कर रहा हो तो फिर हमारी बहस बढ़ जाएगी। लेकिन इसी तरह जरा कार शोरूम लेन बना, कार शोरूम वाला गाड़ियां बनाता नहीं, वो ट्रेडिंग करता है, जो खरीद के बेचता है वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो उसे फिर डीलर बोलते हैं। लेकिन क्या डीलर गाड़ियां बेच देते हैं? लेकिन अगर ये डीलर भी लीजिंग शुरू करता है तो फिर ये डीलर लेसर भी हो सकता है। तो डीलर लेसर और मैन्युफैक्चरर लेसर में एक सेम करेक्टरिस्टिक्स ही है, एक मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये चीजें बेच भी देंगे और अगर लेसर बन गए तो लीज पे भी दे देंगे। तो अब सिंपल लेसर का फिर मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ लीज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर लीजिंग बिजनेस शुरू कर दे या कोई डीलर भी लीजिंग बिजनेस शुरू कर दे तो वो फिर मैन्युफैक्चरर लेसर या डीलर लेसर बन जाएगा। अब मैंने उन्हें इकट्ठा इसलिए लिख दिया क्योंकि उनका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स नहीं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेसर्स, कौन कौन सा? तो पहले यहां तक लिखना है, फिर फर्दर एक्सप्लेन करता हूं।
ये लिखे स्पीडअप होना सर। अब गौर से जरा सुना पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स सी एक सिंपल लेसर मींस बैंकर, बैंक ने कोई एसेट लीज पे देना, क्या सबसे पहले बैंक एसेट खरीदेगा? जिस प्राइस पे खरीदेगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, परचेज प्राइस। जिस सप्लायर से खरीदेगा उसके लिए सेल होगी, जो बाइंग बैंक है वो बायर है। इनिशियली ये एसेट खरीदेगा तो इसके लिए परचेज प्राइस है, परचेज कॉस्ट है, ठीक है सर। अब अगर ये एसेट लीज पे देने तो क्या वो 15 लाख रुपए की किस्तें कर देगा? पैसे उसको क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स मिलने हैं, टाइम बेसिस पे मिलने हैं, तो सबसे पहले वो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पैसे शामिल करेगा, तो इंटरेस्ट इनकम शामिल करेगा। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन वो 2 लाख शामिल करेगा, लेट्स अज्यूम 2 लाख शामिल कर रहा है, तो 17 लाख लीज पेमेंट्स का सम हो जाएगा। क्या लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है सर? लेट्स अज्यूम 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स वगैरह वगैरह, तो 1,70,000 एक रेंटल की अमाउंट हो जाएगी पर इंस्टॉल। क्या इंस्टॉलमेंट ऑफ लीज में इंटरेस्ट होता है? हाँ जी होता है सर, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है। एनी कंफ्यूजन? अब आ जाए जरा मैन्युफैक्चरर लेसर। होंडा लिमिटेड वालों ने फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करके बेचने के साथ साथ लीजिंग बिजनेस भी शुरू कर दिया है। अब होंडा लिमिटेड बनेगा, होंडा लिमिटेड ये गाड़ी कहीं से खरीदेगा बनाए, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, आई होप कि सब ऐसे ही नौजवान है जिन्होंने कभी सुना होगा लफ्ज। लेट्स अज्यूम ये गाड़ी जिसकी हम बात करें 25 लाख इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, ठीक है? ठीक है सर। अब अगर कोई इससे खरीदने आ जाए, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, कोई खरीदने आ जाए तो क्या ये बेचता? हम अज्यूम करें ये बेचने के साथ साथ लीजिंग करता, ठीक है, तो 25 लाख का बेच देगा, कहानी खत्म। 25 लाख में बेच देगा या कुछ ऐड करेगा? इंटरेस्ट ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा। लेट्स अज्यूम प्रॉफिट है इसका 3 लाख, 28 लाख का नाम बता सेल प्राइस। अगर कोई परचेज करना चाहेगा आउटराइट परचेज, इमीडिएटली परचेज करना चाहेगा पैसे देके, तो 28 लाख रुपए इज द सेल प्राइस, 28 लाख रुपए इज द सेल ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड परचेज कॉस्ट ऑफ द बायर, बायर जो खरीद रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ तक ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देन अब लेट्स अज्यूम कोई साहब ऐसे आए हैं जो इस एसेट को मैन्युफैक्चरर लेसर से लीज पे लेना चाहते हैं, तो देयर फोर अब आप बताएं 28 लाख की इंस्टॉलमेंट्स होंगी या 25 लाख की? अट्ठाईस लाख की इंस्टॉलमेंट्स होंगी यार, एक आदमी पैसे नहीं दे सकता, क्या कर रहे हैं? एक बंदा पैसे नहीं दे पा रहा तो क्या हो गया? बस 28 लाख ठीक है यार, क्या हो गया? क्या वही ऐड करेगा सर? सेल प्राइस में ऐड करेगा या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करेगा? क्या उसने प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना था? वो तो उसने कमाना ही कमाना था कि पैसे को सारा आदमी दे दे, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ अब वो इंटरेस्ट भी क्यों कमाएगा? क्योंकि पैसे वो कहेगा मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा, तो किस में ऐड होगी इंटरेस्ट इनकम? तो लेट्स सी 2 लाख,
टोटल इज 30 लाख। द नेम ऑफ 30 लाख शुड बी लीज पेमेंट्स। अब ये लीज पेमेंट्स, क्या लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है? क्या लीज पेमेंट में प्रिंसिपल भी होता है? अब यहाँ प्रिंसिपल किसका नाम है? वैसे सोचते रहिएगा, तो मैं कह रहा हूँ आप भी जो बोल रहे हैं आपको भी याद रखना है। अब लेट्स सी इसके 10 इंस्टॉलमेंट्स बनाएंगे, तो 3 लाख पर इंस्टॉलमेंट रेंटल बन गए पर एनम पर क्वार्टर को जो भी है। क्या इस 3 लाख में कुछ प्रिंसिपल रिकवर होगा और इंटरेस्ट भी रिकवर होगा? वो टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, उसी तरह जैसा हमेशा आप रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्क क्या है यहाँ से और वहां से? बैंक ने प्रॉफिट क्यों नहीं ऐड किया? नहीं, ये नहीं, बैंक बेच नहीं रहा, बैंक बेचता नहीं है, बैंक सिर्फ टाइम के लिए मनी बाय पैसे लेता है। मतलब आप बैंक के पास जाए मेरे एसेट भेज दें, बैंक का ये काम नहीं है। आम हालात में बैंक ये बिजनेस नहीं करते, बैंक सिर्फ क्या करते हैं, लीज पे दे देते हैं, लोन दे देते हैं, ये उनके बिजनेस है। ठीक है, इसको क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके अलावा फाइनली एक डीलर लेसर बनकर सोचा हुआ। अब डीलर किसे कहते हैं? जो ट्रेडिंग कर, ये जो गली मोहल्लों में किस्तों पे दुकानें हैं वो जरा ध्यान में लाया, ये लाइट्स भी बिक रही हैं, सब कुछ ही बिक रहा है किस्तों पे, वो क्या मैन्युफैक्चरर है? वो डीलर है। अगर आप उनके पास पैसे लेके जाते हैं तो बेच भी देते हैं, लेकिन किस्तों पे भी दे देते हैं। तो मेरे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डीलर लेसर। तो डीलर मीन्स ट्रेडिंग कर रहा है और लेसर मीन्स 7 किस्तों पे भी दे रहा है। तो अगर कोई डीलर बन जाए वो खरीदेगा या बनाएगा? परचेज करेगा, नॉर्मल सिचुएशन में परचेज करेगा। लेट्स सी उसने बाइक परचेज की 70,000 जी, अगर कोई खरीदने आ गया प्रॉफिट ऐड करेगा, सपोज 5,000, कितने पे बेचेगा? 75 क्या कहलाएगी अमाउंट, सेल प्राइस। अगर कोई किस्तों पे लेने आ गया किस पे, सेल प्राइस पे, सपोज 3,000, 78,000 की किस्तें बनाएगा। हम अकाउंटेंट इस 78,000 को क्या नाम देंगे? लीज पेमेंट्स। क्या डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तो है, वो खरीद के बेच रहा है, वो बना के बेच रहा है, बस ये फर्क है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दो तरह के प्रॉफिट्स हैं, दोनों के दो तरह की इनकम्स है, दोनों की दो तरह की इनकम्स है। एक उनका नॉर्मल प्रॉफिट है और एक इंटरेस्ट इनकम है। नॉर्मल प्रॉफिट कब रिकॉर्ड होना चाहिए? जब सेल हो जाएगी। सेल कब हो जाती है? जब पैसे मिल जाते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? जब चीजें दे दी जाती हैं। तो जैसी चीजें दी जाएंगी क्या दोनों को अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन क्या उसी वक्त इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए? इंटरेस्ट इनकम टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड हो। तो सिंपल लेसर की जो इनकम है, सिंपल लेसर की जो इनकम है वो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम होती है। लेकिन डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर हो, उसकी इनकम की दो टाइप्स होती हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट जो एट द टाइम ऑफ सेल वो रिकॉर्ड करेगा, और एक इंटरेस्ट इनकम जो टाइम बेसिस पे उसी तरह रिकॉर्ड करेगा जिस तरह सिंपल लेसर रिकॉर्ड करता है। बात समझ आ गई? लिख लेना। नहीं बस इतना ही। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए बेटा? प्लीज आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स सही टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं माशाल्लाह। सारे जो हजरात यहाँ तक नहीं पहुंच सके बारिश की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी हैं पढ़ रहे हैं। आज मुझे भी महसूस हुआ कि स्टेटमेंट गलत साबित हो गई है कि मोबाइल भेज दें। जी नुमान सर, लाहौर में वाकई बारिश हो रही।
हुमायूं ने तो मोबाइल ही भेज दिया, वो क्या करे। अच्छा कोई नहीं सर, कभी कभी केपी की में रेनी डे होता है तो लाहौर में सनी डे होता है। जी मुकरम साहब, कोई मसला, मैंने तो यही कह रहा हूँ कि अलहमदिल्ला नौजवान पढ़ना चाहते हैं और रब ने फैसिलिटीज दे दी हैं, क्यों सर? तो बेटा स्पेसिफिकली इसका जवाब देना ज़रा मुश्किल है, या स्पेसिफिकली मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आजकल लोग कहते हैं कि जो हम इस वक्त जितने की बेच रहे हैं इतने की होगी, पैसे अपने इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, होता है मेरा ख्याल है, ये द्रास रास पे मेरा ख्याल हो रहा है। बहरहाल वो, लेकिन इस तरह बगैर बगैर वो स्पेसिफिक चीज़ देखे, मोबाइल असल में बेसिक नेसेसिटी है ना, मोबाइल बेसिक नेसेसिटी है, इसलिए उस पर तो इंटरेस्ट रेट जीरो होना ही चाहिए। वो मेरा स्पेसिफिक मेरा ख्याल है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट शायद बात मेरा ख्याल है, अगर तो इंटरेस्ट रेट नहीं है, अगर तो वो सेम अमाउंट ही है जिसकी किस्त है। लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम है ना, मतलब अब हमें क्या पता है जो उन्होंने पहले प्राइस बनाई है वो क्या है। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली हम सेफली यही कह सकते हैं कि ठीक है उसमें नहीं है। लेकिन वैसे नॉर्मल सिचुएशन में शायद यही है जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। लिख लिया सर, पेज नंबर 306 पे आता है, लिख लिया। इन दो को क्यों इकट्ठा डिस्कस किया जा सकता है? इन दो को क्यों इकट्ठा किया जा सकता है? मैन्युफैक्चर लेसर और डीलर लेसर को इसलिए इकट्ठा किया जा सकता है क्योंकि दोनों की जो इनकम है वो दो तरह की है। कौन कौन सी? नॉर्मल प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट इनकम। आइए जरा थोड़ा सा और पढ़ने पेज नंबर 306 पे एक डायग्राम सी बनेगी। नेचर ऑफ इनकम, सिंपल लेसर की इनकम सिर्फ किस नेचर की है? मिल गया सर, टेबल बनाओ सर, पेज नंबर 306 के दरमियान से नीचे। सिर्फ इनकम किस नेचर की है, कब रिकॉर्ड होगी, टाइम बेसिस पे लिखा हुआ। मैन्युफैक्चर लेसर की इनकम कितनी तरह की हैं, कौन सी? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अगर खरीद के बेच रहे होंगे तो जो परचेज कॉस्ट होगी, और अगर बना के बेच रहे होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं? जो चीज़ बेची उसकी कॉस्ट, खरीद के बेची तो परचेज कॉस्ट, बना के बेची तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है कब रिकॉर्ड होगा? व्हेन द एसेट इज, अब यहाँ एसेट इज डिलीवर्ड लिखा होगा, व्हेन द एसेट इज सोल्ड, व्हेन द एसेट इज सोल्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड नॉर्मली व्हेन इट इज डिलीवर्ड डिस्पैच डिलीवर्ड। When the asset is sold लिखने से, जब asset sale हो जाता है, अब sale कब हो जाता है? Risk and rewards आम हालात में कब transfer हो जाते हैं? नहीं,
डिलीवर होता है अपोजिट साइड पे है, क्या इसकी इंटरेस्ट इनकम भी होती है? ये भी टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। और ये क्वेश्चन करता है एप्पल बी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 10, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। एप्पल बी लिमिटेड सेल्स द इक्विपमेंट टू फार्मर्स ऑल अराउंड द कंट्री, मैन्युफैक्चरर है yes, क्या बना रहा है ये हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट? इस मैन्युफैक्चरर का स्टॉक होगा अगर बच गया, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगी अगर बच गई? स्टॉक, ये बना रहा है, बना के बेच रहा है। एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल करता है हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट ऑल अराउंड द कंट्री। सम कस्टमर्स अंडरलाइन कर लें, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश एंड अदर्स परचेज अंडर एप्पल बी लिमिटेड फाइनेंस लीज अरेंजमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, कैश पे खरीद लेते हैं, कुछ क्या करते हैं फाइनेंस लीज अरेंजमेंट किसका? क्या ये मैन्युफैक्चरर था? क्या लेसर भी बन गया है? मिस्टर हैडफील्ड परचेज्ड हार्वेस्टर फ्रॉम एप्पल बी लिमिटेड एंड मेड यूज ऑफ देयर फाइनेंस लीज अरेंजमेंट। द डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज, द लीज पेमेंट पीरियड इज 5 years, साइंड ऑन January 1, 2005। Lease of installment of 200,000 are payable annually in arrears on 31st December. A fair market interest rate is 16.9911%. The cost to Apple B Limited to manufacture the harvester was 500,000, and Apple B Limited implements a markup of cost plus what is 100? Cost plus 28%. What is 100? What is 28? What is sale price? 128। जी जी सब कुछ। आजकल मोबाइल अगर हो सकता है यार, बल्कि मोबाइल भी छोड़े, मुझे लगता है वो आज फ्रिज फ्रिज टी पता नहीं वो इस्त्रियाँ सब कुछ है दुकानों पे बिके जा रहे क्या? नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह है, गाड़ी वैसे तो वो भी लीज पे हो सकती है, मेरा ख्याल होती होंगी, बल्कि राइट ऑफ यूज। हाँ ठीक डालना, लेकिन उसको फिर अगर राइट ऑफ यूज कहेंगे तो IS 41 लगाएंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे मैं करेंगे। सही है जी, हमने करना क्या सर? जनरलाइज द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू काउंट फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस फॉर द ईच ऑफ द ईयर एंटेड 5 to 9 जी। सबसे पहला काम, एप्पल बी लिमिटेड क्या कोई लेसर है? सॉरी क्या क्या मैन्युफैक्चरर है? और फिर सारे लेसर बने। तो ये डेटा बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इस डेटा से बहुत सी ऐसी चीजें हमने डिस्कस करनी है जो फिर आगे जाकर यूज होंगी। तो फुल कंसेप्ट डेटा का, जो आपको नॉलेज है वो आप पता है, जो नई चीज होगी मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। हेडिंग लिखें एप्पल बी लिमिटेड, एप्पल बी लिमिटेड जनरल एंट्रीज। फर्स्ट ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st December, जी तीन एक बताएं। सबसे पहले क्या चीज है मतलब? हाँ जी चलें यही ठीक है, यहां से शुरू कर लेते हैं। 1st December, 1st January चाहिए 5। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चर किया होगा हार्वेस्टर, क्या ख्याल है? लेकिन उसमें ये एहतियात बस जरूर रखें, कम से कम बताओ जिससे मैंने कल बात की थी, अब ये क्या इसी दिन बनाया और इसी दिन लीज पे दे दिया? हो सकता है पहले बना लिया हो और बाद में अब लीज पे दे रहा हो, तो ये हो सकता है कि अब 1st January को तो एग्रीमेंट हुआ है, इट मीन्स ये वाली एंट्री जो हम पहली कर रहे हैं ये कर भी सकते हैं शायद और नहीं भी कर सकते, लेकिन कर इसलिए नहीं, मेरा ख्याल पता होना चाहिए। बताएं जी इसकी क्या एंट्री होगी जब मैन्युफैक्चर में? ना सर, ना सर, ये बनाया है, ये बचपन फिर जेब में लाया, अगर लाना सही ना ना, ये फिनिश गुड्स है सर,
नहीं, अब बन गए फिनिश गुड्स टाइप हो गए, ये फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट है, बनाया तो जब बनना शुरू होगा तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे हो गए होंगे, और फिर जब बन गया होगा तो अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि बनाना शुरू किया इस पीरियड में, ये बना हुआ शायद, तो मेरा ख्याल फिर अगर एंट्री देखिए तो फिनिश गुड्स डेबिट। हाँ जी फिनिश गुड्स, अब डेफिनेटली ये फिनिश गुड्स कैसे कह रहे हैं इसका, खत्म इक्विपमेंट है, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, लेकिन फिनिश गुड्स है हमारी, स्टॉक टाइप चीज है और वर्क इन प्रोसेस पर एंट्री होनी चाहिए फिर। यस सर ये ठीक है, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट ठीक है, लेकिन इक्विपमेंट हियर इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इट इज अ इन्वेंटरी आइटम फिनिश गुड्स। कितने से अमाउंट बताई भी है? 5 लाख से। अब 5 लाख किस किस का सम होगा? मटीरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, इसका सम होगा। लेकिन बहरहाल आई से वंस अगेन, ये कोई एंट्री करना ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन पता जरूर बहरहाल होना चाहिए, इसका दूसरा हिस्सा कंपलसरी है शायद जो अभी आगे आएगा। जी अब लीज पे आ रहे, अब कल वाला आपने याद करवाना है और नई चीज मैंने बतानी है, और कंसंट्रेट करना फुल, जरा यही बस फर्क है जो कल पढ़ा और ये आज पढ़ा, और फर्क भी क्यों है यही फाइनल हो जाए। नहीं यहाँ पे लड़िए लेना कि क्या ये फाइनेंस है, ऊपर थर्ड लाइन में से लिखा तो हुआ है, थर्ड लाइन में लिखा हुआ, लेकिन लेट्स सी वहां फाइनेंस लीज वर्ड ना होता, लीज अरेंजमेंट लिखा होता, तो क्या यहाँ वंस अगेन डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है? जी वंस अगेन यहाँ फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज क्लीन लेना है, फॉरगेट अबाउट दैट फाइनेंस, अदरवाइज सोचेंगे तो फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है, नहीं 2 लाख इंस्टॉलमेंट वाली तो कोई बहस नहीं, नहीं सर, नो सर, नो सर, नहीं वो एक अलग है, मतलब इसमें क्या तरीका है, 5 कंडीशंस हैं मिलाए, नंबर 1 ओनरशिप ट्रांसफर हो रही, उसका जिक्र नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते, परचेज ऑप्शन है उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट की इंफॉर्मेशन है, मेजर पार्ट भी हमें नहीं पता, लीज टर्म तो पता है, इसकी लाइफ कितनी है, इकोनॉमिक लाइफ की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एक ही काम रहेगा, अब चौथा स्पेशलाइज्ड एसेट कब कंसिडर करेंगे, जब एग्जामिनर बताएगा, जब कोई एग्जामिनर बताएगा कि दिस कैन एसेट कैन नॉट बी यूज विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन, लेसी के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो हमने खुद अज्यूम नहीं करना। अब फोर्थ पॉइंट पे आता हूं, ये जो फोर्थ पॉइंट होता है ना, असल में ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जब आपने 5-6 लाइनें छोड़नी है बीच में, 5 से 6 गिन के जरा, 6 ही रखना जरा, और नीचे जरा एक वर्किंग करवाए जरा, लेसर है इसलिए मैं वर्ड वही यूज कर रहा हूँ जो लेसर वाले वर्ड है, नहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला बोले फाइनल करेंगे, लीज पेमेंट प्लस यूआर, ये लीज पेमेंट्स बता, एनी डाउन पेमेंट, एनी रेंटल, हाउ मेनी, 5, एनी परचेज ऑप्शन, एनी जीआरवी, एनी यूआरवी, प्लस 0 हो गया, तो 10 लाख इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पूरा करवा देख लेंगे, नहीं एक मिनट, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोलो, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरवी, 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठी ले लें, अलग अलग नहीं, या 10 लाख की इकट्ठी ले लें, अलग-अलग बुकिंग करनी पड़नी है, 10 लाख इकट्ठा तो नहीं पे करना ना, इंस्टॉलमेंट से पे करना, एन्युटी लग जाएगा पहला भी एरियज में, ढूंढे एरियज में सब में इंटरेस्ट होगा, फॉर्मूला बने एन्युटी का, 1 माइनस रेट बताए 0.169911 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.169911 और प्लस 0 है यूआरवी, अब लिख लें और सॉल्व करें, एक मिनट आराम से, ये चल रहा है, चलो कूलिंग कर।
जी वर्किंग से बना लूँ। ये आंसर सॉल्व करो 640 क्या है ये 640 नेट इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस लेना चाहे तो क्या है अनर्न फाइनेंस इनकम में 660,000 ऐसे। लेकिन अब मैं जरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे इस वक्त जो नेट इन्वेस्टमेंट है सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ही की फिगर है उसमें यूआरवी है ही नहीं। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ 640,000 नेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स भी है हमेशा ऐसे ही होगा वो डिफरेंट भी हो सकती है अनग्रेडिड रेजिडुअल वैल्यू शामिल होने की वजह से फिगर ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिफरेंट हो सकती है। अब जरा पेज नंबर 302 पे जाएं जरा 640 ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है सबको पता है। अब इसे कंपेयर किससे करना है फेयर वैल्यू से कंपेयर करना एट द इंसेप्शन जो फेयर वैल्यू उससे कंपैरिजन करना है और चेक ये करना है कि क्या ये अमाउंट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू है या नहीं है। सेंटेंस बोलेंगे जरा किस किसको किसके सब्सटेंशियली इक्वल होना चाहिए इस 640 को सब्सटेंशियली इक्वल होना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ठीक है। तब ये 640 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इसलिए क्योंकि यू आर भी नहीं है अब फेयर वैल्यू आउट होना है और यार ये 5,00,000 फेयर वैल्यू ही यार 5,00,000 फेयर वैल्यू है भाई 5,00,000 फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू कहते किसे है मार्केट वैल्यू को तो 5,00,000 मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट है इतना सोच लेना। अब इसका कंपैरिजन असल में किससे होना फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू तो 5,00,000 वॉस 5,00,000 इज कॉस्ट तो क्या हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे 5,00,000 डिवाइडेड बाय फाइनल कीजिएगा सर कॉस्ट है कॉस्ट है कॉस्ट है इनटू 128 मार्कअप इस्तेमाल हो गया व्हाट इज 640 व्हाट इज 640 फेयर वैल्यू क्या सेल प्राइस इज फेयर वैल्यू क्या सेल प्राइस इज फेयर वैल्यू याद रखा जो फेयर है। अगर डी पॉइंट जरा देखें 302 पेज का इज दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू सब्सटेंशियली मींस 90% और मोर 100% हो जाए मेरे को उतराओ 90 से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल हालात शायद ये कि शायद 100% ही आया करेगी लेकिन अगर 90 से ज्यादा भी हो जाए सब्सटेंशियली इक्वल का हालात तो क्या ये लीज फाइनेंस लीज है क्या सारी कंडीशन मीट होना जरूरी है। मैंने जो छह लाइन आपको छुपाई थी उसमें क्या है और लिखें इट इज फाइनेंस लीज एज प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स और सब्सटेंशियली इक्वल टू टू फेयर वैल्यू any confusion finally jawless first ये कठिन थी सर। अब आप इससे करें अब ये फाइनेंस लीज है और कल वाला क्वेश्चन नंबर है 9A ढूंढने जरा 9A का आंसर सामने रखें क्या वहां भी फाइनेंस लीज थी। अब अगले 5-2 मिनट में ये सारी जो मैंने आज आपके क्लास क्लास के सामने बहस की वो सारी आपके सामने रिवाइज होनी है और आपने सही फाइनल करना है। बताएं क्या एंट्री लिख ली आपने ये भी फाइनेंस लीज है वो भी फाइनेंस लीज है क्या पैसे मिल गए अभी मिलने हैं तो लीज रिसीवेबल किस अमाउंट से डेबिट होता है नेट इन्वेस्टमेंट जरा फिगर ढूंढने अपने डेटा में से
640 डन है सर। उधर देखते हैं क्या लिखा हुआ आपने, इक्विपमेंट क्रेडिट होता है कॉस्ट पे, इधर आ जाए, इक्विपमेंट क्रेडिट होता है कॉस्ट पे, आ जाए कॉस्ट बताए, इक्विपमेंट क्रेडिट होता है कॉस्ट पे, ऐसे ही होता है सर। लेकिन क्या कॉस्ट और सेल प्राइस में फर्क है? वो क्यों फर्क है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर लेसर है। उधर जाए जरा, उधर जाए, उधर उधर उधर, क्या कॉस्ट और नेट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सेम थी? क्या उसका कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था? नहीं था। क्या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही कमा रहा था? तो अगर कॉस्ट और सेल प्राइस में फर्क हो तो क्या इसका मतलब या तो किसी डीलर लेसर का सवाल या मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल हो रहा है? और अगर कॉस्ट और नेट इन्वेस्टमेंट सेम ही आ रही हो तो फिर सिंपल लेसर हो। अब जरा आ जाए पेज नंबर 306 पे एक सेकंड। क्या अगर ये मैन्युफैक्चरर लेसर, समझ आ गया मैन्युफैक्चरर लेसर, तो इसने अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड होता है देख के बताना, देख के बताना। क्या ये सेल भी रिकॉर्ड करेगा सर? और क्या कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री भी करेगा सर? कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बोलना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक है या फिनिश गुड स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक क्रेडिट, ये एंट्री किस अमाउंट से होनी है? 5 लाख। तो क्या सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल फिर नॉर्मल प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाए करेगा? तो ये जो डबल एंट्री है, ये वाली डबल एंट्री सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की कब हुआ करेगी? अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है और अगर सिंपल लेसर है तो उसकी एंट्री वो हुआ करेगी जो आपने कल की। उस एंट्री और इस एंट्री में क्या फर्क है? वो एक सिंपल लेसर की स्टोरी है और यहाँ एक मैन्युफैक्चरर लेसर की स्टोरी है। क्या मैन्युफैक्चरर लेसर ने सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना? सिंपल लेसर ने सिर्फ इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी थी, तो उसकी इनिशियल एंट्री में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उधर ही रहेगा, तो गैलेक्सी वाली बहस हो रही है, वहां भी कल आपने एक नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी 28.69। हाँ जी की थी सर। और कल वाले क्वेश्चन में भी वो नेट इन्वेस्टमेंट जो थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही थी, यूआरवी नहीं थी। देखा देखा देखें अटेंशन, तो 28.69 जो था नेट इन्वेस्टमेंट का आंसर, क्या वो फेयर वैल्यू के बराबर आया था? देखें 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 देखें, सवाल भी देखें, सवाल भी देखें, सवाल भी देखें, 28.69 क्या फेयर वैल्यू के बराबर आया था? और जाने दे कॉस्ट के बराबर आया था यार। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था याद रखना, कॉस्ट फेयर वैल्यू थी या सेल प्राइस फेयर वैल्यू है? असल में फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है? नहीं उसको छोड़ दे, जो अभी हमारी बात थी वो फर्क है, असल में फर्क है। एक बैंक ज़हन बनाए, बैंक ज़हन बनाए, अगर सिंपल लेसर है तो क्या कॉस्ट पे अगर वो खरीद रहा है तो मार्केट से खरीद रहा होगा? कॉस्ट पे अगर खरीद रहा होगा तो क्या वो कॉस्ट ही मार्केट वैल्यू होगी? लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं प्रॉफिट ऐड करके तो फिर मार्केट वैल्यू कौन सी होगी? तो अगर सिंपल लेसर हो तो कॉस्ट फेयर वैल्यू होती है, और अगर डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर हो तो फिर सेल प्राइस फेयर वैल्यू होती है। पेज नंबर 307 पे एक मिनट आएगा। पेज नंबर 307 के एंड पे एक मिनट आए, इसके लास्ट में तीन पॉइंट्स लिखे, उसमें से पहले दूसरा तीसरा पढ़ लेंगे। पर सिंपल लेसर मिल गए क्या इस फेयर वैल्यू? क्यों क्यों असल में कॉस्ट किसको कह रहे हैं जिसको हमने खरीदा है? कॉस्ट हम किसको कह रहे हैं जिसपे हमने खरीदा है? ऐसे ही जिसपे हमने खरीदा है वो कॉस्ट है। तो क्या हमने मार्केट से खरीदा? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है सर, तो क्या मार्केट प्राइस पे खरीदा होगा? हम जिसे कॉस्ट कह रहे होंगे यकीनन उसे कोई और सेल प्राइस कह रहा होगा, लेकिन हम तो उसे कॉस्ट ही कहेंगे। लेकिन अगर हम डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर हैं
तो फिर हम मार्केट में कितने पे बेचेंगे, तो फिर सेल प्राइस हमारे लिए फेयर वैल्यू हो। थर्ड पॉइंट पढ़ा, इन हजरात के लिए क्या चीज फेयर वैल्यू बन जाएगी? सिंपल लेसर अगर है तो कॉस्ट फेयर वैल्यू एंड मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में। तो अगर मैं फाइनली ये कहूँ कि कल गैलेक्सी वाले सवाल में नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर आई थी, और आज वाले सवाल में भी नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर आई है, तो आप मेरी बात से एग्री कर जाएंगे? वहां कॉस्ट मीन्स फेयर वैल्यू, यहाँ सेल प्राइस मीन्स फेयर वैल्यू, क्योंकि मैन्युफैक्चर लेसर का सवाल है। ये ऑनलाइन सोर्स को बात फॉलो कीजिए प्लीज। और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का क्वेश्चन है, तो फिर आप जब एंट्री कर रहे होंगे पहली वाली, तो उसमें सेल सेल प्राइस पे और कॉस्ट ऑफ सेल, फिर कॉस्ट पे भी डेबिट होगी ताकि नॉर्मल प्रॉफिट रिकॉर्ड हो सके। तो शायद सिर्फ पहली एंट्री का फर्क है, सिंपल लेसर और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में, उसकी क्या वजह? पेज नंबर 306 पर देखा जरा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का फर्क है, बाकी तो इंटरेस्ट इनकम टाइम बेसिस पे है। तो डीलर लेसर पहली एंट्री करता था, बोल रहा रिसीवेबल डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, अगर सॉरी सिंपल लेसर, अगर रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट इक्विपमेंट क्रेडिट, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड, और फिर अगर ये चीजें बेच रहा होगा तो उसके लिए फिर वो आइटम स्टॉक कंसिडर होगी। ओके प्लीज लिख लें ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फाइनली आपको क्वेश्चन अगर आएगा नेवली एंटर द प्योर सेल वाली एंट्री। ये प्योर प्योर सेल वाली, फर्क सिर्फ प्योर और सेल, और इसमें क्या है? प्योर सेल में डेटर मींस होता है, उसमें इंटरेस्ट नॉर्मली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। यहाँ लीज वर्ड इसलिए आ गया कि शायद ये लॉन्ग टर्म रिसीवेबल। क्या ये भी डेटर ही है? मिस्टर हेडफील्ड यहाँ डेटर ही है, लेकिन उस डेटर ने पैसे किस्तों में देने हैं, बस ये फर्क है। क्या ये आम सेल है? आम आम वाली, वो वाली, वो नहीं, आम वो वाला आम नहीं है, वो आम नहीं, आम सेल है, नॉर्मल सेल। लेकिन थोड़ा सा बस फर्क शायद क्या है कि वो ट्रेड रिसीवेबल हम शायद शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स को कहते हैं, महीना 2 महीने मैक्सिमम, और यहाँ जरा सालों में गेम चली गई। ये अब गीले गीले सामने बैठ गए, इसके मसाला चूज करके शायद सुखाने तो नहीं कपड़े बैठे, नहीं कपड़े सुखाने के सामने बैठे से आती है, नहीं वो तो सूख गए होंगे लेकिन। जी सर, यू चले गए। देन आफ्टर दिस एंट्री देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड डीलर मैन्युफैक्चर लेसर, मतलब मेरी इस बात का क्या हुआ? बाकी सिंपल लीजिए जी, अगली डेट बोलो। कोई डाउन पेमेंट तो नहीं? कौन सी डेट आ गई, कौन सा ईयर एंड आ गया? 5। रेंटल रिसीव होना है, इंटरेस्ट होगा उसमें? होगा सर, बस उतना बना ले जितनी जरूरत है, 2 इंस्टॉलमेंट तक बना ले बस, बाकी तो आपने इंशाल्लाह घर में वैसे ही कंप्लीट कर लें जैसे कल किया था। कर लिया था यार, जगह खाली थोड़ी भी है, कर लिया होगा। टेबल बता दें कहाँ से शुरू होता है जी? पहले डेट होगी, रेंटल, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट 1 जनवरी 5 है, बैलेंस बता दो बस। नहीं मैंने फाइनल एक वर्ड बोले, मैं अब ये बड़े फर्क आ जाने, तो लीज रिसीवेबल फॉर लेसर एंड लीज पेबल फॉर लेसी एंड दैट्स इट। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 5 कर दे, हिम्मत मुका दूंगा। रेंटल है 2 लाख,
इसमें इंटरेस्ट हो गया यस एरियज में मंथ वाज 8743 कर ले फाइनल। जी देख ले फिगर्स अगर तीन गलत है 5487 4 3 ठीक है फिर 9 8 0 मैं डिस्क्लोज नहीं बनाना, मेरे ख्याल इतना काफी है वैसे तो शायद, लेकिन चले 2006 तक कर दो, 2 साल की वर्किंग कर, वैसे तो 9 तक है लेकिन मेरे साथ 2 साल कर लो, मैं हम कुछ और कर लो जी। एंट्री लिखे 5 ये करेगा जी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सेम क्यों नहीं आया? उसकी बेटा वजह ये कि इंस्टॉलमेंट्स एरियर्स में है, तो पहले पहली इंस्टॉलमेंट में भी इंटरेस्ट होगा। ये प्रिंसिपल रेंटल पहला सेम कब होता है? एडवांस में अगर रेंटल एडवांस में हो गया करेंगे एंट्री से एंट्री की है। कैश डेबिट कितना जी? 2 लाख। लीज रिसीवेबल क्रेडिट 9 1 2 5 7 9 1 2 5 7 एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट बाय 108743 डन है प्लीज जी। डेप्रिसिएशन चार्ज करें, यहाँ डेप्रिसिएशन का सवाल उठता ही नहीं हमारे लिए, वैसे ही स्टॉक था हम, मतलब एक तो वैसे ही अगर अगर ये स्टॉक पड़ा भी होता तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी है। हाँ, जो खरीद रहा होगा अगर उसने इस्तेमाल के लिए खरीदना है तो वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के तौर पर से डेबिट करेगा राइट ऑफ यूज, यहाँ तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं उठेगा जी। नेक्स्ट ईयर में आता, नेक्स्ट ईयर कोई होगी एंट्री? बोल दे कौन सी, किस डेट पे? सिर्फ एक ही होगी, रेंटल रिसीव होना एंड में 2 लाख। सॉरी फिगर बन जाएगी 9 3 9 3 2 3 7 एंड फाइनेंस इनकम क्रेडिट बाय 9 3 2 3 7 9 3 2 3 7 एंड 106763
अगर कंप्लीट कर लें तो कमेंट बताइएगा। बाकी मेरा ख्याल रिपीट होना, तो नेक्स्ट ईयर मैं अज्यूम करूंगा कि आप कर सकते हैं। जी कटे जी प्लीज, जी हेडिंग लिखें जी, कटे प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब ये बेटा, जब इस वक्त बहस की है मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर की, इसमें इस वक्त क्वेश्चन करते हुए ना कोई जीआरवी थी और ना ही कोई यूआरवी थी। क्या होती है जीआरवी यूआरवी? लेकिन क्या ये भी हो सकती है? तो अगर वो सब कुछ हो, मतलब डिटेल में अगर कोई स्टोरी हो, तो देन जरा एक हेडिंग लिखे, इनिशियल एंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर इन केस ऑफ एनालिसिस। सिर्फ वो पहली एंट्री का एक मसला, बाद में तो आपके सामने ही है, रेंटल एडवांस में हो, एरियर्स में हो, वो सारी स्टोरी आ जाती है। अगर ये हेडिंग लिख लें तो अब आपने अपने सामने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, उस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी 5 वाली सामने रख लेनी है। जी रेडी है सर? जी पहली लाइन बोले थी क्या है, पहला हेड कौन सा होता है? लीज रिसीवेबल डेटर सर। जी लीज रिसीवेबल डेबिट सर। किस अमाउंट पे सर? नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बोल दो सर। नेट इन्वेस्टमेंट लीज प्रेजेंट वैल्यू लीज प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू यू आर भी अगर हो तो शामिल हो। सेकेंड हेड कौन सा होता है सर? सेल्स। देख के सर, मैन्युफैक्चर लेसर डीलर लेसर की बात हो रही है। सेल्स क्रेडिट। अब ये मैं अभी लिख दूंगा कि मतलब किस पे होता है एज पर स्टैंडर्ड, फिर क्या हमने वही किया वो देखेंगे, और फिर क्या आगे क्या फर्क भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह बहस करते हैं। अकॉर्डिंग टू IFRS 16 सेल को क्रेडिट होना होता है। अब इस वक्त ट्रेंड ये सुन लीजिएगा, होना क्या, बाद में फिर क्यों होना, मैं इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस कर लूँगा। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। बोलने मैंने क्या लिखा, क्योंकि बहस इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे जब डाटा आएगा। आप ये बताएं अपना वही डाटा देख के जहां पे आप हैं इस वक्त एप्पल बी में, क्या मैंने लीज रिसीवेबल्स को नेट इन्वेस्टमेंट से ही रिकॉर्ड किया था? Yes, 640। क्या मैंने सेल को लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे ही रिकॉर्ड किया था? ये मैं बताता हूँ, आप अपने इस डेटा से मुझे बताएं फेयर वैल्यू क्या थी। सर ये बता दें यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की अमाउंट बताएं। 640। क्या ये दोनों सेम थी? क्या मैंने लोअर ही उठाया होगा? वो बहस क्यों नहीं रही, क्योंकि दोनों सेम थे। लेकिन अगर ये फिगर्स डिफरेंट होती तो मैं क्या उठाता? मैंने लोअर उठाना था, वो क्यों उठाना था इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। क्या मैंने बगैर ये बातें बताए किया वही था जो करना था? 640 लोअर था या दूसरा 640 लोअर था? दोनों सेम थे तो लोअर ही था, लोअर ही हाई था। देन मैंने कॉस्ट ऑफ सेल भी डेबिट की, लेकिन अगर फिगर्स अवेलेबल हो तो कॉस्ट ऑफ सेल का डेबिट किया जाता है कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरवी से। क्यों किया जाता है मैं बताता हूं, आप बताएं क्या मैंने ये वर्ड्स बताया बगैर किया यही है? कॉस्ट ऑफ सेल का मैंने कितने से डेबिट किया?
5 लाख से 5 लाख पॉलिसी सर, और प्रेजेंट वैल्यू व्यूअर भी कितनी थी, वो जीरो थी, तो मैंने 5 लाख माइनस जीरो 5 लाख से 20 की है। और क्या मैंने स्टॉक क्रेडिट किया, फिनिश गुड स्टॉक, वो कॉस्ट से क्रेडिट किया मैंने, और वो कॉस्ट से ही होना, उसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू व्यूअर नहीं है। मीन्स उसे अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रिगार्डिंग यू आर वी जी आर वी, तो एक दफा जरा बोलने फिर अप्लाई करना डेफिनेटली, कि लीज रिसीवेबल किस अमाउंट पर डेबिट होता है, सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू यू आर वी, और स्टॉक ने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होना। बस लिखने से पहले एक सेकंड लास्ट जो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल वाला, ये जरा सुन लें थोड़ा सा, हमें इन चीजों का किसी जमाने में अंदाजा है, उनको अगर लिंक कर लेंगे तो शायद आराम से बात समझ आ जाएगी। देखिए ये जो प्रेजेंट यू आर वी और जी आर वी का कॉन्सेप्ट है, ये तभी है जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफर होनी ही नहीं होनी, नहीं होनी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो शुरू में ट्रांसफर होने जिसे सेल हो जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट वापस आना, और अगर एसेट वापस आना है तो फिर लेसर ने उसे सेल करना है। फर्ज करें लेसर ने 5 लाख का कोई एसेट खरीदा था और लीज पे बाद में दे दिया, कॉस्ट 5 लाख थी, लेकिन यू आर वी एक्सपेक्टेड है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मैं सपोज इसे 50,000 का दूंगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। खरीदा कितने का था, खरीदा कितने का था, 5 लाख खरीदेगा, डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो तो बनाया होगा, बनाने की कॉस्ट आई होगी या खरीदने की कॉस्ट आई होगी, और उसे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जब कभी ये वापस आएगा सेकेंड हैंड एसेट तो मैं इसे मार्केट में बेच दूंगा, और लेट्स सेज प्रेजेंट वैल्यू उसकी है 50,000, तो आज एसेट कितने का है, एंड में कितने का बिक जाएगा, तो उसकी नेट कॉस्ट ऑफ सेल 5 लाख ही है या 4,50,000। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह कभी आप लोगों ने लव सुना डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला कुछ सुना था, कॉस्ट माइनस, बस वहां यू आर वी जी आर वी का कॉन्सेप्ट नहीं था आई 16 में, वहां प्रेजेंट वैल्यूज का भी इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं, हम सिंपली क्या करते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करते क्यों, लेट्स सेम 5 लाख कॉस्ट है, लेट्स सेम 5 लाख कॉस्ट है और हमें एक्सपेक्टेड एंड में 50,000 मिल जाएगा, क्या हमारा नेट खर्चा 4,50,000, क्या 4,50,000 डेप्रिशिएट करते हैं आप या 5 लाख, 4,50,000 डेप्रिशिएट का मतलब 4,50,000 एक्सपेंस आउट करते हैं आप, 50,000 की नहीं एक्सपेंस आउट करते वापस मिल जाना। तो बिल्कुल उसी तरह से अब ये यू आर वी जी आर वी भी तभी अप्लीकेबल होती हैं जब हमने एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी, एसेट वापस आना है एज अ लेसर, और अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि इसने बिक जाना है तो देयर फॉर जो हमारी नेट कॉस्ट ऑफ सेल है वो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यूज लेस करके, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट वैल्यू लेने का क्योंकि इनिशियल एंट्री होगी, ठीक है। तो हर चीज की इंशाल्लाह कोई ना कोई सेंस हम बना लेंगे, लेकिन इनिशियल हमारा काम ये होगा कि ये जो एंट्री है इसके वर्ड्स जरा फाइनल करें, ठीक है। अब आप जरा लिख लें जरा इन वर्ड्स का जी, वो लेकिन लेस होने की बजाय उसमें ऐड होगी वो भी इंशाल्लाह, मैं सारी फिगर आपके सामने रखूंगा आपको नजर आ जाना। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या जी आर बी होती है, तो वो उसमें आ गई, तो वो इंशाल्लाह आपको पता, अब मैं ढूंढूंगा कहीं ना कहीं से। नहीं वही कह रहा ना, आई 16 में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लीज में बस एक्स्ट्रा चीज है कि प्रेजेंट वैल्यू से आता है, और बस ये देखा जाता है कि आज क्या हमारे एस्टिमेट है कि फ्यूचर में कितने का बिक जाएगा। तो आई 16 में प्रेजेंट वैल्यूज का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से नहीं है, लेकिन लीज के स्टैंडर्ड्स में बस एक प्रेजेंट वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, वरना कॉन्सेप्ट शायद वो है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट का था कि जिस अमाउंट में एक्सपेंस बनना, क्या कॉस्ट ऑफ सेल भी किसी एक्सपेंस का नाम है, सेल से लेस होती है, तो ये हम जो बेच रहे हैं उसका फिर नेट एक्सपेंस है, वहां हम जो यूज कर रहे हैं उसका नेट एक्सपेंस डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो हमने यूज करके फायदा लेना है, यहाँ शायद हमने बेच के फायदा लेना है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जी साहब,
जो लोग लिख लें एक दफा जरा फाइनली बोल दें जरा इनिशियली, बहरहाल आपको याद करना पड़ना कि क्या अमाउंट किस अमाउंट से किस हेड में डेबिट होना है, तो एक दफा बोलने फिर इंशाल्लाह अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिया ये ऑनलाइन स्टूडेंट, नोट हो गया भाई? एक दफा बोल लें सर, एक दफा दोबारा या बोर्ड पे देख के बोलना, लीज रिसीवेबल डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट माइनस ट्रेजरी रिलीफ यूआरबी एंड स्टॉक क्रेडिट बाय पेज नंबर 307 के एंड में क्वेश्चन नंबर 11 है। जी डेटा दिया होगा सामने, यहाँ से वर्किंग कर रहे हैं। और बेटा मान खुदा का नाम ले यार, क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमने लोअर ऑफ नहीं देखा, और बेटा लोअर ऑफ ही तो देखा है, वहां लोअर भाई वो था। आप हुक्म करें 640 कौन सा वाला लोअर था, कौन सा 640 लोअर था, ऊपर वाला 640 या नीचे वाला? और सर जी सेम आ गया था, इसलिए कौन सी अमाउंट लोअर है जाने दे सही यार। अगर वो लोअर था ही नहीं तो लोअर वो ही था जो हायर था, ठीक है ना मान साहब? जी सर, लीज पेमेंट्स किसे कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट होता है? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स भी गिवन है, अगर डेटा हो तो कैलकुलेट हो सकती है। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ परचेज जिस पे खरीदा था, यूआरवी अनगारंटीड एसेट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी होती है। yes, अगर डाटा दिया तो निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 60,000। 60,000 सेल प्राइस कितनी है? क्या चीजें खरीद के बेची भी जा रही हैं? हाँ डीलर होगा, डीलर होगा सामान में, मैन्युफैक्चर तो बना के बेचता। रिक्वायर्ड अक्सर जी कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अन एंड फाइनेंस इनकम एंड अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ डीलर लेसर। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग रहा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इनिशियली इस डेटा में सिर्फ आपका काम यह है कि जो ऊपर पड़ा है उसको अप्लाई करना। इस स्टोरी में डीलर लेसर पता चल गया सबको, डीलर लेसर कैसे 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 परचेज करके बेच भी रहा है और सेल प्राइस और लीज पेमेंट्स की अमाउंट्स में देखें डिफरेंस भी कितना है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी यहाँ, ये लिखें कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, सिंपली जस्ट वर्किंग। ढूंढे कॉस्ट पहले करवा दें, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरबी ढूंढे 1200, तो कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली कितने पे रिकॉर्ड होगी? 58,800 लिखें। तो मेन चीज ये है कि इसको अप्लाई करना है, जरा सीखना चीज जब के सामने आती जाएंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ डीलर और मैन्युफैक्चर लेसर, कॉस्ट ऑफ सेल मींस कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड एसेट वैल्यू। डन है प्लीज। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलना आगे, रुक जाए लिखने के, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अब सेल लिखवानी है हमने? ना सर, ना सर, सेल मींस लोअर ऑफ। सेल किस पे रिकॉर्ड होनी है? लोअर ऑफ बोले क्या क्या लोअर ऑफ? फेयर वैल्यू की स्टोरी फाइनल करने ढूंढे फेयर वैल्यू, कॉस्ट का फेयर वैल्यू कहें या सेल प्राइस का फेयर वैल्यू कहें? वजह 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 डीलर, डीलर है सिंपल है, डीलर मैन्युफैक्चर लेसर में सेल प्राइस इज फेयर वैल्यू, ढूंढ ले नीचे लास्ट टाइम सही है 70,000 सॉरी 70 नहीं 71,200। अब इसको कंपेयर किससे करना है? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट होना 70,000 हायर उठा लें, हायर लोअर? लोअर,
लोअर कितना था ना? लोअर इज 70,000. एक मिनट बात पूरी कर लें जरा. सेल बन गई 70, कॉस्ट ऑफ सेल बताए कितनी, डिफरेंस ले लें 11,200. लिखा, एक मिनट देख क्या कर रहे हैं, नई चीज है. पहले इसको अप्लाई करना, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, पहले इसे अप्लाई करना सीख लें, मीन से बोलने पर जरा इनको जेन में सेट कर लें, बाकी फिगर्स आती जानी है, आपको पता चलता जाना. सेल इज द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, क्या होती है मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर सेल प्राइस, और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट इस वक्त गिवन है, अगर ना गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तक आ गए क्या? 11,200. चलिए बैच यहीं से कल शुरू करेंगे. अब मेरी उम्मीद है कि आप आईएस 38 और सिक 32 को रिवाइज कर चुके हैं, तो आज फिर इस तरह करें, कंसोलिडेशन की तरफ चलेंगे दोबारा. आईएफआरएस 9 को दें जरा, चलिए आईएफआरएस 9 को दें, फिर बाकी कल और परसों दे दीजिएगा कंसोलिडेशन को. आईएफआरएस 9 ठीक है, आईएफआरएस 9 आज, आईएफआरएस 9 का इस तरह करें, पेज नंबर है वन, वैसे तो मेरा ख्याल इसको भी रादर देना, सारे क्वेश्चंस की बजाय इसका पूरा चैप्टर एक रिवाइज करना है, और अगर क्वेश्चंस ये वाले कर लीजिएगा बस, पेज नंबर वन, ये दो क्वेश्चंस है ना पेज 181 के, चैप्टर पढ़ते हुए उसमें जो रस्ते में थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स आएंगी वो कर दीजिएगा, बाकी ये जो पेज नंबर 181 और 182 के दो क्वेश्चंस है इनको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद जो दूसरे हैं जिसमें वो लाइबिलिटी वगैरह आ जाएगी वो मेरे ख्याल बाद में रखना ठीक है. आज ही इसको जरा देना, पूरा चैप्टर एक दफा फाइनल कर लें, तो कंसोलिडेशन के चला मैं कल बताता हूँ ठीक है सर. अल्लाह हाफिज़.